विधानसभा चोणों नूं लैके पंजाब च माहौल जिस तरह नाल गरमाया होया है, दिग्गज नेता भी अज पंजाब दे विच चोण रफ्तार नूं जिहड़ी है ओह धार देण पहुंचे होए ने। अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब दे विच ही ने ते होर वख-वख लीडर जिहड़े सियासी ने ओह भी लगातार पंजाब दे दौरिआं ते ने। ते अज असीं विधानसभा हलका श्री फतेहगढ़ साहिब विच मौजूद हाँ। इतों भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े उम्मीदवार ने ओह सरदार दीदार सिंह पट्टी होर ही ने, ये पहला भी विधायक रहे ने। इन्हां नाल गलबात करदे हां कि किहड़े मुद्दे ने ते किस तरह नाल ओह देखते ने इन्हां चोणां दे दौरान। पट्टी साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा चढ़दी कला टाइम टीवी दी। थैंक यू जी। चढ़दी कला तुहाडी टीम दा भी तुहाडे दर्शकां दा भी मैं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पट्टी साहब, चोण प्रचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी वालों, तुसीं उम्मीदवार हो, तो किस तरह का माहौल देखते हो चोणां दे दौरान, किस तरह का प्यार मिल रहा? देखो साडा असीं पहलां भी परिवार वांगू वरत रहे हाँ। बहुत लंबे समय तो साडी एसोसीएशन आ समुचे असीं भाईचारक तौर ते ही चला रहे हैं काम। और भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत मजबूत पार्टी आ और सब तो वड्डी पार्टी आ, और जिहड़ी बागडोर आ भी उन्हां कोल आ। और मेरे खुशकिस्मती आ कि मैं भारतीय जनता पार्टी नूं ज्वाइन किया और बहुत चंगा लग्या, और उन्होंने मैनू अपना उम्मीदवार बनाया शहीदां दी इस पवित्र सर जमीन तो। मैं बहुत वधिया इलैक्शन कंपेन चल रही है। किस तरह नाल मुद्दे की देखते हो, इत्थे जिहड़े कम है वह किस तरह नाल देखते हो? जिस तरह आ मौजूदा सत्ता तेरे गल करदी है कि असीं विकास कराया, विकास के नाते वोट मंग रहे हैं, तुसीं उन्हां नूं किस तरह नाल देखते हो? देखो जो विजन प्रधानमंत्री साहब का श्री नरेंद्र मोदी जी का हैगा, और एक बहादुर लीडर ने बड़ी देर बाद देश नूं इहो जिहा इंसान लीड करन वास्ते मिलिया। और जिहड़े मुद्दियां दी गल तां अज तक किसी ने करी नहीं, क्योंकि जिहड़ी करप्शन फ्री प्रबंध देण दी गल आ, साफ सुथरा प्रबंध देण दी गल आ, हैल्थ रिलेटड जिहड़े काम करन दी गल आ, उन्होंने फैसला किया कि असी हर पार्लीमेंट हल्के दे विच पी जी आई तर्ज ते जिहड़ा हॉस्पिटल नाल मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज एक बहुत वड्डा एक शुरुआत हो जा रही आ। और खेती करजे नूं लै के किसान दी दशा नूं दिशा नूं सुधारन वास्ते उन्हां दी माफ़ी वाली गल, और जिहड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आ उहदी शुरुआत करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट वास्ते बहुत फंड्स लाउण दा उन्हां ने लगभग 1,00,000 करोड़ दा टीचा रख्या। और जिहड़ी लोक अपंग ने, विधवा है, कोई दूजे जिहड़े पेंशन दे हकदार ने, उन्हां नूं 3,000 रुपया पेंशन पर मंथ देण दा भी प्रावधान रख्या, क्योंकि बहुत गरीबी दी करके बेरोज़गारी करके उन्हां दी भी ये वधाउणी जरूरी सीगी। ये गल्लां हैगियां। और एजुकेशन लैके हर तहसील पद्धर ते जिहड़ा एक कॉलेज विच सारे कोर्स होण, किता मुखी कोर्स शुरू करने वाली गल कि आप बंदा सीख के अपना हुनर पैदा करके आप अपनी उपजीविका कमावे और तरक्की करे। बच्चों स्टूडेंट्स वास्ते 5,000 रुपये का जिहड़ा 5,00,000 रुपये तक का जिहड़ा कैश क्रेडिट कार्ड जिहड़ा विद्या वास्ते किस तरीके नाल बच्चा वरत सकदा। सो बहुत चंगी शुरुआत हो जा रही आ। नवा पंजाब भाजपा के नाल स्लोगन दिता, मैं समझदा कि साड़ी पार्टी समर्थ भी आ। मोदी साहब का साडा जो मैं समझदा कि आशीर्वाद आ, और हर गल होनी संभव आ। पिछों कई बंदे आ वोटां लै जांदे आ, पिछों कहिंदी साडा जिवें पिछली बार होया ते पिछों खजाना मंत्री कहिंदा साडा खजाना खाली आ। पहलां जिहड़ी सीगी कमेटी उह मैनीफेस्टो कमेटी उहदे भी चेयरमैन उह सीगे जां मैंबर सी, ते बाद च कहिंदे साडा खजाना खाली आ। वी कै गैर जिम्मेवारी वाली गल आ। देखो तुसीं आख वायदे भी तुसीं कराउण दे विच्चों ते पूरे करन वाले तुसीं, तुहानूं पहलां ही चाहीदा तुसीं यार अपने आप नूं इह कहिणा वी असीं पढ़े लिखे हाँ, असीं अमेरिका दी फॉलो दी तारी ते गल्लां जाणदे हाँ, इंग्लैंड दी डेमोक्रेसी दीआं गल्लां करदे हाँ, तुहानूं इह नहीं पता वी साडे खजाने का की हाल आ।
सो ये गल्लां बहानेबाजियां ने, इको एक इंसान आ, इको एक पार्टी आ जिहड़ी कि परफॉर्म कर सकती आ। लोगों नूं भी मैं सारे पंजाबियों नूं साडे हल्के दे मेरे भाईचारे नूं बजुर्गां वीरां नूं नौजवानों नूं ही बेनती करूँगा कि इको एक पार्टी आ भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी डिलीवर कर सकती आ और जिहदे ते आस ते उम्मीद आ। और बहुत वधिया राज प्रबंध दित्ता, लखां करोड़ां रुपईआं दीआं रिश्वतां ते घोटाले होए कांग्रेस दे रजीम दे विच जाहरा। मोदी साहब दे जदों दे आए ने एक मंत्री एक कोई एम एल ए एम पी को कह दे भी कोई एक रुपये की कोई ठगी कोई गल कोई एम्बेजलमेंट, ये सिस्टम नूं बहुत संजीदगी नाल ठीक करन दी लोड़ आ। जिहड़े कि सानूं आ लोग ये गल समझ चुके ने भी सच की आ, इस गल दे आधारित लोग विश्वास देणगे और सानूं मौका देणगे। कल प्रियंका गांधी इत्थे सीगे पंजाब दे विच, कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण तुहाडे नाल है, वो एक गल कह के गए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहला ही बीजेपी दे इशारे ते काम कर रहे सी, इस करके सानूं उन्हां नूं बदलना पिया। तुसीं किस तरह नाल समझदे हो बयान? देखो ये दूषणबाजियां होंदियां, छोटियां गल्लां मैं समझदा। देश दे हितां दी गल दे विच कैप्टन जां दूजे दीआं गल्लां आउणियां, कोई कितना नाल रलिया होया, लख वारी रलिया होवे तूं परफॉर्म की करदे हो, तुसीं की परफॉर्म कीता, तुहाडे नानी जी ने की कीता, तुहाडे उन्होंने वड्डिया ने की कीता, देश वंड के रखता, फिर तुसी कित्थे जाके तुसी एमरजेंसी तुसी लाई थोड़े परिवार ने लाई, तुसी दरबार साहब अटैक थोड़े परिवार ने कराए, दिल्ली च दंगे थोड़े परिवार ने करवाए, किहड़ी गल दा तुसी कहिंदे तुसी घोटाले कोई गल्लां दे जिम्मेवार तुसी? इन्हां गल्लां दा ब्लेम गेम ना की कोई निकलूगा, किसी गरीब का की सौरूगा इन्हां गल्लां ना, देश का की सौ रहा, देश के भविख का बच्चों का, उन्होंने वास्ते तुम की कर जा रहे हो? एक कहते होंगे एक कोई जंगल में अग लगी सी, चिड़ी पानी की बूंद लैके जाती सी, तो वह कहती भी मैं रस्ता तो खोल दी ना, तो तुम रास्ता भी नहीं खोलिया कदे। सो ये गल है, लोग सब जानते हैं, मैनू नहीं लगती कोई गल भी कोई कसर होगी। बहुत प्यार मिल रहा, परमात्मा की बड़ी बख्शिश आ, और मोदी साहब की लीडरशिप आ, भाजपा की समुची लीडरशिप आपों अपने तरीके नाल लगे हुए ने और बहुत सहयोग आ पब्लिक का। फतेहगढ़ साहिब समेत पूरे पंजाब की उम्मीद करते हो, किस तरह के नतीजे रहेंगे? बहुत चंगे नतीजे रहेंगे, सरकार बनेगी साड़ी। शुक्रिया सरदार दीदार सिंह भट्टी जी, जो कि श्री फतेहगढ़ साहिब तो अपने बीजेपी के उम्मीदवार ने, इन्हों का यही कहना है कि जो बीजेपी ने विजन दिता है नवा पंजाब भाजपा के नाल, उस दे उत्ते ही काम करते हुए ये अगे वधणगे ते पंजाब नूं जिहड़ा आ उह तरक्की दीआं राहां ते लैके जाणगे। तो लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो जिस तरह नाल इन्हां पहलां हल्के की नुमाइंदगी की है उस तरह नाल लोग विश्वास इन्हां ते जता रहे हैं। हुण देखते हैं कि 20 फरवरी नूं जदों वोटिंग होवेगी, 10 मार्च नूं नतीजे आउणगे, तां पंजाब समेत श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच भारतीय जनता पार्टी का कमल है वह किस तरह नाल खिलदा है। चढ़दी कला टाइम टीवी लई मैं नील कमल अपने सहयोगी संदीप रोहिला दे नाल श्री फतेहगढ़ साहिब।